गुरुग्राम की फिरोज गांधी कॉलोनी में वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम के दौरान भगवान वाल्मीकि के जीवन गाथा पर प्रकाश डाला गया कि किस तरह से उन्होंने रामायण की रचना की थी और कहा उन्हें इसकी प्रेरणा भी मिली थी। मुख्य अतिथि ने वाल्मीकि का महान संत बताया और कहा कि हमें उन्हें दिखाए रास्ते पर चलकर अपना जीवन संकल्प बनाना चाहिए। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने वहां पर आम जनता की शिकायतों की सुनवाई भी की और जो भी समस्याएं कॉलोनी में हैं उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन भी राव नरबीर सिंह द्वारा जनता को दिया गया। मंत्री ने कहा कि वे अधिकारियों को उनकी समस्याओं को जल्द हल करने का निर्देश देंगे। तो मेरे घर जो रोड पे सरकारी कर्मचारी आएंगे या मेरे घर के नजदीक जो आदमी आएंगे वो आ पाएंगे, इसका मैं हिंदुस्तान में किसी भी ऋषि मुनि तपस्वी भगवान को आप देखें तो वाल्मीकि को वाल्मीकि समाज में बांटते, रविदास को हरिजनों, मुनि तपस्वी भगवान देवी देवताओं को हमने जात बरादरी धर्म और वर्ग के अनुसार बांटा। इस वर्ग विश्लेषण को बात छोड़ करके जब तक हम इन ऋषि मुनि तपस्वी को सब मिल करके हम नहीं मनाएंगे, नहीं पूछेंगे, नहीं उनके रास्ते पर चलेंगे तब तक हमारा देश और ये हिंदू धर्म तब तक जागृत नहीं होगा, तब तक अच्छा नहीं होगा। तो मेरी ये सोच है कि जो वाल्मीकि जी ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हम चले। और एक ऐसा ऋषि, लोग तो कहानियां लिखते हैं, इतिहास लिखते होने के बाद, लेकिन जिन्होंने रामायण की रचना रामायण घटने से बहुत साल पहले कर दी, ऐसा एक कवि, ऐसा एक महर्षि, उसके बारे में यदि हम ध्यान करें तो मैं तो कुछ आदमी क्या बता पाऊंगा महर्षि वाल्मीकि के बारे में। लेकिन मैं जितना पढ़ा उतना ये जानता हूँ कि ऋषि बहुत हुए लेकिन महर्षि दुनिया में कुछ, उसमें एक महर्षि वाल्मीकि हुए। तो आज उसका जन्मदिन है, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चले, ये हमारी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा होगी। और आज मैं क्योंकि मंत्री के तौर पर आया हूँ, भाई धर्मवीर ने भी कुछ मांगे रखी इसके आगे की तरफ से। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद का अदा करता हूँ कि भाई धर्मवीर को आपने यहाँ पार्सल चुन के भेजा, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।